साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडुटेरा पर। DSSB स्पेशल एक पंक्ति में करंट अफेयर्स वीकली 10 मई से 15 मई तक। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में जितने राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है, 13। हाल ही में जितने राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है, तो ऐसे कुल 13 राज्य हैं। मैं करीब जितने भी यहाँ पर वन लीनियर आएंगे सबको दो बार पढ़ूंगा और उसका उत्तर दो बार बताऊंगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत में पिछले साल पहली बार सामने आया कोरोना वायरस का B1.617 स्वरूप जितने देशों में पाया गया है वो देश हैं 44। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत में पिछले साल पहली बार सामने आया कोरोना वायरस का B1.617 स्वरूप जितने देशों में पाया गया 44 देशों में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्य बल में जितने सदस्य हैं तो कुल 12 सदस्य हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्य बल में जितने सदस्य हैं 12 सदस्य हैं। वह देश जिसने COVID-19 को लेकर एहतियाती कदम उठाते हुए 13 मई से भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के पर्यटकों का प्रवेश रोक दिया है, मालदीव। वह देश जिसने COVID-19 को लेकर एहतियाती कदम उठाते हुए 13 मई से भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के पर्यटकों का प्रवेश रोक दिया है वो देश है मालदीव। जिस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है, चीन। जिस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है, चीन। केंद्र सरकार ने अत्याधुनिक रसायन सेल ACC बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु जितने करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI को मंजूरी दे दी है, 18,100 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने अत्याधुनिक रसायन सेल बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु जितने करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI को मंजूरी दे दी है, 18,100 करोड़ रुपए। तो ये सभी DSSB स्पेशल के अंतर्गत हैं। कोई भी आगामी परीक्षा हो लेकिन स्पेशली DSSB पर ये फोकस किए गए हैं। हाल ही में जिस देश ने 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक कंपनी की कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है वो देश है अमेरिका। हाल ही में जिस देश ने 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक कंपनी की कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है वो है अमेरिका। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर और हमारे YouTube चैनल एडुटेरा को सब्सक्राइब करें। ड्रग्स कंट्रोलर्स जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने 2 से 18 साल के उम्र के बच्चों के लिए जिस वैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी है कोवैक्सीन। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने 2 से 18 साल के उम्र के बच्चों के लिए जिस वैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी गई है वो है कोवैक्सीन। ICC टेस्ट टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी होने पर यह टीम 121 रेटिंग अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है, तो वो है भारतीय टीम यानी भारत। ICC टेस्ट टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी होने पर यह टीम 121 रेटिंग अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है भारत। BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में जिसे नियुक्त किया है वो है रमेश पवार। BCCI ने भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में जिसे नियुक्त किया है रमेश पवार। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज जिस दिन मनाया जाता है 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज जिस दिन मनाया जाता है 15 मई। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने जिस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है, मार्टिन ग्रिफिथ्स। संयुक्त राष्ट्र
प्रमुख ने जाने माने जिस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है, मार्टिन ग्रिफिथ्स को। भारतीय मूल की जिस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह फिलस्टेड। भारतीय मूल की जिस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है, डॉक्टर शकुंतला हरक स्थिलटेगस को। नोमुरा ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 12.6% के पिछले अनुमान से घटाकर जितने प्रतिशत तक कर दिया है तो 10.8%। नोमुरा ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 12.6% के पिछले अनुमान से घटाकर जितने प्रतिशत तक कर दिया है, 10.8%। भारत और जिस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइजर का आयोजन किया, इंडोनेशिया। भारत और जिस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइजर का आयोजन किया, इंडोनेशिया। हाल ही में जिसे नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, केपी शर्मा ओली। बिल्कुल एकदम लेटेस्ट घटना ये। हाल ही में जिसे नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, केपी शर्मा ओली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले जिस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे, G7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले जिस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे, G7, कोरोना वायरस के केसेस की वजह से। हाल ही में जिस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है, तो वो राज्य है असम। हाल ही में जिस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है, वो राज्य है असम। वह राज्य सरकार जिसने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा के नीचे BPL रहने वाले परिवारों की मदद के लिए उन्हें 5,000 की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है, हरियाणा। वह राज्य सरकार जिसने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा के नीचे BPL रहने वाले परिवारों की मदद के लिए उन्हें 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है, वो राज्य है हरियाणा। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है, 9.3%। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है, 9.3%। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जिसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, जोसे कटूर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जिसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, जोसे कटूर। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इंटरनेशनल नर्स डे जिस दिन मनाया जाता है, 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इंटरनेशनल नर्स डे जिस दिन मनाया जाता है, 12 मई को। न्यूजीलैंड की जिस विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, BJ वॉटलिंग। न्यूजीलैंड की जिस विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, BJ वॉटलिंग ने। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में जिस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया, तो वो राज्य है पुदुचेरी। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में जिस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है, तो वो राज्य है पुदुचेरी। राष्ट्रीय औद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे जिस दिन मनाया जाता है, 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे जिस दिन मनाया जाता है, 11 मई को। हाल ही में ट्विटर ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को जितने डॉलर सहायता राशि के रूप में देने की घोषणा की है, $15 मिलियन। हाल ही में ट्विटर ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को जितने डॉलर राशि के रूप में देने की घोषणा की है, $15 मिलियन।
अफगानिस्तान में जिस देश के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का निधन हो गया वो कहाँ के रहने वाले थे? भारत के। अफगानिस्तान में जिस देश के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का निधन हो गया वो भारत के रहने वाले थे या भारतीय थे। जिस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिए फाइजर बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? अमेरिका। जिस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिए फाइजर बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी दी है, उपयोग की मंजूरी दी है, वो कौन सा देश है? वो है अमेरिका। या राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़कर जितनी हो गई है, 1.411 अरब यानी 1.411 अरब। राष्ट्रीय जनसांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़कर जितनी हो गई है, तो 1.4। जिस अभिनेता को उसकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया वो है अनुपम खेर। जिस अभिनेता को उसकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया वो है अनुपम खेर। वह प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जिसको लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया, राफेल नडाल। वह प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जिसको लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया, राफेल नडाल को। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने पाकिस्तान के जिस खिलाड़ी को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना है वो है बाबर आजम। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने पाकिस्तान के जिस खिलाड़ी को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना है, बाबर आजम को। सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और जिस देश के मसले सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया वो है पाकिस्तान। सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और जिस देश के मसले सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया वो देश है पाकिस्तान। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर जिस राज्य सरकार ने 10 मई से सार्वजनिक परिवहन निलंबित करने की घोषणा की है, हिमाचल प्रदेश। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर जिस राज्य सरकार ने 10 मई से सार्वजनिक परिवहन निलंबित करने की घोषणा की है वो है हिमाचल प्रदेश। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है वो है तेलंगाना। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है वो है तेलंगाना, यानी तेलंगाना राज्य ने। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जिस दिन मनाया जाता है 8 मई को, यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मई को। हेमंत बिस्वा शर्मा को जिस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, असम। हेमंत बिस्वा शर्मा को जिस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, असम। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है, उड़ीसा। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है, उड़ीसा। जिस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं वो है नेपाल के। जिस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं, नेपाल। हिंदुस्तानी व पाश्चात्य संगीत पर अच्छी पकड़ रखने वाले जिस संगीतकार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वनराज भाटिया। यानी हिंदुस्तानी व पाश्चात्य संगीत पर अच्छी पकड़ रखने वाले जिस प्रसिद्ध संगीतकार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वनराज भाटिया। तो ये थे वो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। विजिट अगेन फॉर न्यू अपडेट्स। Like, share and subscribe my YouTube channel Edutera. So best of luck. So I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा. Thank you. Bye bye.